भाई कालू सुबह सुबह क्या हो रहा है भाई? दूध वूध निकल रहे हैं? वाह 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 वाह। मुन्नी को देखो, मुन्नी मुन्नी दोस्तों, ब्रोनो उधर बैठी हुई है। मैं आवाज, ब्रोनो राशा शाबाश, उधर छांव में बैठी थी और आ गई। ये भी हट जा कपड़े ना लगने दे। हाँ खुशा, हाँ वही दखर बसे, वही कपड़े तबाश हुए। दोस्तों बकरियों का भी बाहर जाने का टाइम हो चुका है और बकरियां भी जा रही है बाहर, देख सकते हो। अभी जाएगी घंटा डेढ़, कालू इनके साथ ड्यूटी करेगा घंटा डेढ़ जाके। और चुन्नू मुन्नू भी ये जा रहे हैं भाई, माशाल्लाह वो निकल चुके हैं। देखते हैं कि ब्रोनो इसके साथ जाती है या नहीं। कालू ब्रोनो का आवाज़ लगाओ, नहीं जा रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। सुबह सुबह ब्लॉग बना रहा हूँ, सही है, और ब्लॉग को पूरा देखे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और बहुत कुछ अंदर है वो भी दिखाएंगे। चलो अंदर फिर चलते हैं। जाओ अंदर, आ जाओ भाई। पराया फार्म हाउस में क्यों जा रहे हो मामू? ये पराया है ये? अच्छा ये कलर वलर हुआ है? चल भाई अंदर चाहते हैं, चल आ जाओ। बड़े ये तो, हाँ भाई अपना ही फार्म हाउस है यार। दोस्तों मैं समझा किसी पराए फार्म हाउस में आ गए भाई। आ जाओ मामू। तो मामू भी ने भी भाई सीढ़ी वीढ़ी लगा दी और यहाँ का कलर बाकी है वो करेंगे। और कालू बकरियाँ ले गए और मामू जो है अभी यहाँ का कलर करेंगे और हम आपके साथ परिंदे जानवर शेयर करते हैं। आ जाओ। चलो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ अपने हिरन का, शौक कराता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों इनके सामने से बोरा हटा दिया क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और दिन को धूप, अच्छी खासी धूप होती है, तो धूप इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी थोड़ी देर में खोलेंगे भी, बल्कि आज़ादी कर लेंगे। हिरनों को भी आज़ाद कर दिया और ये गोली की तरह बाहर निकल चुके। ओ चले गए भाई, ओ गए। अच्छा यार दोस्तों, यार कल रात को बहुत तेज़ हवा आई और प्लास्टिक सारी, हमारी जितनी प्लास्टिक है ये सारी तोड़ फोड़ के रख दिए। तो वो हम लोगों ने बांधा भी सही नहीं था, खैर ऊपर से खाली था और बांधा भी सही नहीं था, मतलब चूज़े भी आज़ाद घूम रहे। दोस्तों बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी की वजह से देखो चूज़ों को, देखो ठंड सी लग रही है। तो इनके लिए भी मैंने रात को परसों लहसुन भी दिया था। आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा हो तो वो वाला ब्लॉग देख लो। और दूसरी बात यह है कि सारे चूज़े वूज़े भी आज आज़ाद कर दिए क्योंकि अंदर पिंजरे के अंदर यार एक चूज़ा हमारा मरा हुआ था। तो मैंने बोला यार ये धूप, अच्छी खासी धूप लग रही है, तो इसमें थोड़ा बहुत इसको आज़ाद कर लेंगे तो ये होगा, थोड़ी इनको मतलब गर्माइश सी मिल जाएगी। मतलब ठंड है ना अंदर पिंजरे में, बहुत ज़्यादा ठंड है और ये जगह भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। और यहाँ के लिए अभी मैं जा रहा हूँ प्लास्टिक लेने, यहाँ के लिए प्लास्टिक लाऊंगा क्योंकि इसको पैक करना बड़ा ही ज़रूरी है भाई। आप लोगों को तो अंदाज़ा नहीं लग रहा लेकिन यहाँ बेरिया टाउन में यकीन करो इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि मैं नहीं बता सकता आप लोगों के लिए। और पट्टियाँ भी अंदर गई हुई है और आज मिस्त्री भी आएगा, ये देख सकते हो कि इसका हम लोगों ने ना इसका ये निकाल दिए हम लोगों ने, बीच बीच के जो है ना ये तीन निकल चुके हैं। और वहाँ सामने एक छोटा सा दीवार लगा हुआ है और पट्टियाँ देखिए, पट्टियाँ भी बाहर घूम रही है, केज के अंदर घूम रही है, सॉरी। और माशाल्लाह अभी जो है ना मोरों को भी आज़ाद कर दिया और इनकी अभी थोड़ी सी तबीयत सेट हो गई, वरना दो दिन से बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी और पाख 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 लगाया हुआ था। तो मैंने बोला यार इनके लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, लेकिन कालू ने मुझे बोला और मामू ने भी मुझे यही बोला कि भाई उसामा सर्दी है और सर्दियों में मुर्गे मुर्गियाँ और तोते वगैरह सब इसी तरह होते हैं। मैंने बोला हाँ मुझे पता है, लेकिन इसके लिए कोई हल तो होना चाहिए ना, कि कोई टेबलेट होना चाहिए, कोई दवाई होनी चाहिए। ये थोड़ी होगा यार, इंसान भी जब बीमार होता है, बुखार होता है, तो वो कुछ ना कुछ टेबलेट वगैरह खा लेता है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए इंसानी दवाई दूँ। मैंने इसके लिए डिस्प्रिन भी दिया, पेनाडोल भी दिया, मतलब वो चीज़ें इसको मैंने दिए और लगवाए, लेकिन माशाल्लाह सेट हो गए हमारे मोर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसी तरह हमारे सब परिंदों को इसी तरह बचा के रखे। और जैसे ही मुझे पता चला कि यार एक मुर्चूज़ा बीमार है, मैंने सबको दवाई फटाफट से दे दी। मैंने बोला ये ना हो कि यार नुकसान हो जाए। वो आप लोगों ने सुना होगा कि एक बीमार होता है फिर आहिस्ता 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 सब बीमार होते हैं, लेकिन अल्लाह इस चीज़ से बचाए। अल्लाह पाक से खैर मांगेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि एक चूज़ा अगर बीमार हुआ तो उसको फटाफट से उसको मतलब ट्रीटमेंट करेंगे उसकी। और यार दोस्तों ये देखे,
आए हाय अरुण भाई, पुराना पैर फिर से छोड़ दिया ब्लैकी का, मेल और फीमेल दोनों एक साथ छोड़ दिए। इंशाल्लाह सबसे पहले ब्लैकी से इसके बच्चे लेंगे, उसके बाद इसके साथ और मुर्गियां छोड़ेंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन इस टाइम भी यकीन करो सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं बताता। हवा लग रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, हैदराबाद की तरफ से जो हवा आ रही है, कराची से जो आ रही है वो गर्म है, जो हैदराबाद से आ रही तो वो बहुत ज़्यादा ही ठंडी हवा है। क्यों देख सकते हो हम यहाँ पे चूज़े है, हमारे जो है ना यहाँ पे छोटे वाले चूज़े है, तो उसके लिए जगह पूरी पैक की हुई है और खाली गेट छोड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है। ये भी चूज़ों की जगह है जो है ना, ये हम लोगों ने इसमें भूसा वूसा डाला हुआ है। ये जगह बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन इसको आज मैंने खोल ही दिया। मैंने बोला यार ये चूज़े थोड़े से धूप मूप पे घूमेंगे बाहर तो ये थोड़े सेट हो जाएंगे। वो सामने घूम रहे, देखो घास पे सब चूज़े वहाँ घास में घूम रहे और हम उसको देख रहे, ड्यूटी दे रहे भाई। हिरन भी बाहर है और आज इस तरह करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कल इतवार है। कल इतवार से कल से पहले आज के तारीख में भूसा भी अंदर चला जाएगा, जनरेटर भी हट जाएगा, ये कुर्सियाँ वर्सियाँ ये इधर उधर असल में काम हो रहा है ना दोस्तों, तो ये सब कुछ यहाँ से सेट करके छपरे में को सेट देंगे उधर पीछे ही, क्योंकि फ्रंट अपना साफ रखेंगे। तो वो लड़का भी आज, वो लड़के को बुलाएंगे जो हमारा वर्कर था छोटा, उसको भी बुलाएंगे कि आ जाओ भाई फटाफट से, आज तुम्हारा काम है हमारे पास। ये सारा काम करके मैं जा रहा हूँ प्लास्टिक लेने, प्लास्टिक भी मेरे साथ वो बांध देगा वो पूरा ए टू जेड तक। इंशाल्लाह यहाँ का साइज लेता हूँ, यहाँ प्लास्टिक लाता हूँ। तो दोस्तों अपने चूज़े देखते हैं कि कैसे है भाई। नहीं सही है माशाल्लाह, यहाँ पे धूप लग रही है ना तो इनके लिए जो है ना ये जगह सही है। ये दरवाज़ा इसलिए मैंने छोड़ा था, मैंने बोला सुबह सुबह का धूप जो है ना इन पर लगेगी तो ये फिट हो गए, बकाया हवा से ये कोने में छुप के बैठे रहेंगे रात को। और पट्ठे को भी बंद किया हुआ है दोस्तों, जो हमारा पट्ठा है पट्ठे को बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है वो भी बताऊंगा, क्योंकि हमारा ब्लैकी जो है ना अब मैदान में आ चुका है भाई। मैंने कल भी शॉट अपलोड किया था, क्योंकि ये जो है ना मतलब कुछ दिनों उसके लिए बंद था, कुरीज में था, परवर पूरे हो चुके हैं और अब ये पूरे मिनी जू का बादशाह होगा। अच्छा भाई यहाँ पे जो तीन चूज़े हैं तीतर के, वो भी सामने बैठे हुए भाई, धूप ऊप खा रहे। और यहाँ पे लाखा बंद है, लाखा के साथ दो फीमेल बंद है, यहाँ पे वहाँ पे जावा बंद है, जावा के साथ एक फीमेल बंद है और बकाया तो पिंजरे खाली है। लेकिन इसको क्यों, इसको भी आज़ाद कर देंगे। आ जानी तुम भी आज़ाद हो, आ जाओ बाहर। हाँ तुम लोग भी बंद हो, आ जाओ, तुम लोग भी आज़ाद हो गए हो, बस आ जाओ चलो घूमो फिरो एंजॉय करो। हेरानो तुम लोग ये दाना लाऊं? नहीं भाई आज ये दूर दूर भाग रहे। तो दोस्तों देखते हैं कि दरवाजे पे कौन है भाई। हाँ वे आ गई, सुबह हो चुकी है। हाँ इतनी जल्दी हो गई सुबह, मेरी तो 10 बजे के बाद होती है, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी उठा हूँ। आज तूने भी ब्लैक जोड़ा पहना हुआ है और मैंने भी पहना हुआ है भाई, और मामू कलर पे लग गए वो कोने पे किचन पे कर रहे कलर। दोस्तों ये प्लास्टिक जो है ना ये मैंने सुबह इसको लपेट दिया था सारा, क्योंकि मैंने बोला और फट रहा है हवा से, और यहाँ से भी ये नीचे उतर चुका है, ये बुरिया एहसान आ चुका है। मैंने आप लोगों को बोला कि एहसान आएगा तो फिर साथ में करेंगे, लेकिन एहसान आ गया। एहसान सही था, सही है ना। अभी ये प्लास्टिक ला रहा हूँ और इसको करते हैं पैक। बस सही है, मैं ला रहा हूँ। और देखो यार बर्ड्स, देखो बर्ड्स यहाँ से बाहर से दिखाऊँ आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि कालू गया हुआ बाहर और चाबियाँ कालू की जेब में चली गई भाई। बाकी बर्ड्स माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट है। और हाँ 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 एक बात मेरे से भूल गई भाई, वो क्या कि ग्रीन और प्लान के और उस तरफ जो उसका पैर है, दो पैर से हम लोगों ने अंडे गिरा दिए भाई, वो खाली निकले। सही है, उसमें बिल्कुल अनफर्टाइल थे वो खाली थे, वो निकाल दिए। और बाकी जो है ना फर्टाइल इसके थे है, अल्बिनो के फर्टाइल है माशाल्लाह। और बाकी जो है ना देखते फिर आके कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं। आज जो है ना काम करना है वो प्लास्टिक लगवानी है और बहुत सारे काम है, सफाई सफाई उधर इधर उधर करके पूरा डज। तो दोस्तों आज छोटा सा व्लॉग ही बनेगा, बस इतना होगा कि आप लोगों को फटाफट मैंने बता दिया कि ये काम होगा, ये होगा। तो अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इसी व्लॉग को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और अभी के लिए दो हमें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ फटाफट प्लास्टिक लेने भाई।